लोकसभा चुनाव के अंतिम दो चरणों के चलते राजनीतिक दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। कांग्रेस ने भाजपा को झूठी पार्टी और पीएम मोदी को मास्टर ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन बताया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मामला खारिज होने के बाद पार्टी ने इसे चुनाव में भाजपा का प्रोपेगंडा करार दिया है। हमें उच्चतम न्यायालय के ऊपर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, तथ्य आपके सामने है। मूल बात थोड़ी फर्क है, मूल बात यह है कि यह दर्शाता है कि द्वेष से, घबराहट से, भय से भरे हुए मोदी जी और उनकी सरकार येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से हर प्रकार का झूठा आरोप प्रॉक्सी के थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू, कभी किसी वर्कर के थ्रू, कभी किसी असंबंधित व्यक्ति के थ्रू लगाते रहते हैं। जिस प्रकार इस देश में, भारत देश में सच के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र हो गए हैं, उसी प्रकार से झूठ के प्रतीक ये सरकार हो गई है, ये सत्तारूढ़ पार्टी हो गई है, ये प्रधानमंत्री हो गए हैं।